एक्सप्रेस तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें बिज तक प्रीमियम। मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। अडानी और मुश्किलें जैसे विक्रम और बेताल, छोड़े ना छुड़ाई वाली हालत हो गई है। जी हाँ, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही संकट कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला अडानी ग्रुप के ग्रीन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। क्या है ये मामला, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। अडानी को लेकर खबर ये है कि यूएन बेस्ड क्लाइमेट ग्रुप ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों का ग्रीन गोल्स के लिए दुनिया के मेन इंस्टीट्यूशन यानी मुख्य संस्थानों से अप्रूवल खत्म कर दिया है। जाहिर सी बात है, अप्रूवल खत्म होने से अडानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी को झटका लगेगा ही। दरअसल अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में लीडर बनना चाह रहा है, लेकिन इस फैसले से अब अडानी ग्रुप के तमाम प्रयासों को झटका लग सकता है। जिन 3 कंपनियों पर फैसला लिया गया है उनमें अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स शामिल हैं। अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट और अडानी ट्रांसमिशन को यूएन की क्लाइमेट ग्रुप ने अप्रैल महीने के आखिर से कंपनी टेकिंग एक्शन की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। इस फैसले के बाद एनर्जी ट्रांजिशन में अडानी ग्रुप का लीडर के तौर पर उभरना मुश्किल हो सकता है। क्लाइमेट ग्रुप ने इस फैसले को लेने से पहले आंतरिक जांच की, जिसमें पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो ठोस प्लान बनाए जा रहे चाहिए उन मानकों पर कंपनी खड़ी नहीं उतरी। अब देखना यह है कि इस फैसले पर अडानी ग्रुप की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। मंगलवार के कारोबार में अडानी ग्रुप के इन शेयरों में गिरावट का रुख देखा गया। अडानी ग्रीन का शेयर 189% गिरकर 17.30 अंक टूटकर 900 रुपए पर आ गया है। अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी अडानी पोर्ट्स मामूली तेजी देखने को मिली है। उसमें अडानी पोर्ट्स का शेयर 0.63% की तेजी पर बंद हुआ। वहीं अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में भी 5% की जोरदार गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 47 रुपए की गिरावट के बाद 901.60 रुपए पर बंद हुआ। दरअसल यूएन समर्थित ग्रुप SBTI ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर पेरिस समझौते के तहत प्रदूषण कम करने के लिए ठोस योजनाएं बनाने में कंपनियों की मदद करता है। SBTI ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और सबमिट की गई जानकारी के आधार पर एक आंतरिक मूल्यांकन किया है और निष्कर्ष निकला कि तीनों कंपनियां इनिशिएटिव्स के स्टैंडर्ड और पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप नहीं है। सस्टेनेबिलिटी माइंडेड इन्वेस्टर्स आमतौर पर निवेश से पहले SBTI की मंजूरी की मुहर देखते हैं। अडानी नाम वाले स्टॉक फरवरी की शुरुआत में 500 से ज़्यादा ESCG फंड में दिखाई दिए थे। तब एक फाइलिंग से पता चला था कि अडानी अपनी विवादास्पद कारमाइकल कोयला खदान की वित्तीय मदद के लिए अपनी ग्रीन कंपनियों के स्टॉक्स को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अडानी के लिए ये बड़ा झटका इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि अडानी के ये तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अडानी ग्रीन के जरिए ग्रुप की आज के दौर में नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस खबर से शेयर मार्केट में अडानी को आने वाले दिनों में और झटका लग सकता है। देखना होगा कि ग्रुप इससे उभरने के लिए क्या कदम उठाता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।